नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ रूपेश मिश्रा और आप तमाम दर्शकों का मध्य प्रदेश पत्रिका में बेहद स्वागत है। आज सदन में महापुरुषों की प्रतिमा को लेके जो फोटो है उसको लेके विवाद हुआ है। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के नेता बाला बच्चन जी हैं। सर, जिस प्रकार से सबसे पहले मैं राज्यपाल के अभिभाषण पर आपकी टिप्पणी चाहूँगा कि राज्यपाल के आज के अभिभाषण को किस रूप में आप देखते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि महामहिम राज्यपाल जी ने जो अभिभाषण जो पढ़ा है उसको हमने जो सुना और मैंने खुद ने भी उसको जो पढ़ा है, ये मध्य प्रदेश की जनता के साथ में, मतदाताओं के साथ में एक छल किया है सरकार ने, कपट किया है और केवल आंकड़ों का एक मायाजाल है, उसका एक पुलिंदा है, बाकी कुछ भी नहीं है। किसी भी वर्ग के लिए और किसी भी क्षेत्र के लिए कोई उसमें स्पष्टता नहीं है। और जहां तक जो लाडली बहना की जो बात है, लाडली बहनाओं को भी उसके बारे में कोई एक शब्द भी नहीं कहा है। कल जो मेरा इससे संबंधित विधानसभा में मेरा भाषण होगा, हर चीज़ को मैं स्पष्ट करूंगा। इस सरकार से मैं जानूंगा और पूछना चाहूंगा कि क्या हुआ है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का जो इंदौर में जनवरी 2003 में हुई थी। लगभग मध्य प्रदेश की जनता की गाड़ी कमाई के 100 करोड़ रुपए खर्च किए थे, 29 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने की बात कही थी और उसके बाद लाखों करोड़ रुपये इन्वेस्ट मध्य प्रदेश में आएगा, उसका कहीं उल्लेख नहीं किया है। अभी तक जितनी परीक्षाएं भर्तियों के लिए हुई है उनका जो जांच बनी है, पटवारी भर्ती है, कांस्टेबल भर्ती है, वन रक्षक भर्ती है, जो जो भर्तियां हुई है जिससे संबंधित परीक्षाएं, उसका इसमें कोई उल्लेख नहीं है। कल हम जो बोलेंगे तो हम मध्य प्रदेश के सर्वहारा वर्ग के सर्वांगीण विकास के लिए, सर्वहारा क्षेत्र के लिए क्या किया है उस बात को हम स्पष्ट करेंगे। लेकिन ये भाजपा का कथनी और करनी का, ये राज्यपाल जी का अभिभाषण एक पुलिंदा है। फोटो को लेकर जो विवाद चल रहा है उस पर आसंदी ने आज ये व्यवस्था कर दी है कि एक कमेटी बना दी गई है और कमेटी उस पर निर्णय लेगी, लेकिन आप लोग कमेटी नहीं चाह रहे थे, अध्यक्ष के विवेक क्या था? हमारा पहले कहना है कि आपने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जो फोटो लगा हुआ था विधानसभा अध्यक्ष जी की आसंदी के पास, उसको क्यों हटाया और आप कमेटी बना के उसमें क्या कर लेंगे? आपकी नियत का पता चलता है, आपने हटाया, यही भाजपा के संकीर्ण सोच का पता चलता है और भाजपा की संकीर्णता है, संकीर्ण मानसिकता है, इस कारण से इन्हें हटाया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का मैं आप लोगों के माध्यम से जानना चाहता हूं, इन सब से क्या देश के लिए उनका समर्पण कम रहा है? जिस तरह से उन्होंने देश के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में तीन तीन बार जो सेवाएं जो दी है, देश को जो गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराया है, 10 साल तक उन्होंने जेल की हवा भी खाई है, अगर उनका फोटो था तो भाजपा को आपत्ति क्यों हुई? ठीक है, आदरणीय बाबा साहब का फोटो लगाना था तो उनका भी रखना था, पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब का भी रखना था, यह हमारी आपत्ति और हम इस बात को लड़ते रहेंगे। तो जाहिर तौर पर आपत्ति लगातार इसको लेकर बरकरार है। मैं रूपेश मिश्रा, पत्रिका टीवी के लिए भोपाल।